नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी परीक्षा के कार्यक्रम को लेकर, साथ में घोषणा के बारे में जो कि यहां पर देखने के लिए मिल रही है, नई तारीखों के बारे में। दूसरी तरफ बात करें 97,000 प्राथमिक भर्ती टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर, उत्तर कुंजी कॉमन नंबर बढ़ेंगे तो क्या बदलेगी मेरिट लिस्ट या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट पर प्रभाव पड़ेगा, और भी तमाम सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं। सीटेट, उत्तर कुंजी और रिजल्ट को लेकर बात करेंगे, बनवा सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप चाहे वो किसी भर्ती से संबंधित हैं या फिर चयनित हैं या फिर अचयनित हैं, अगर आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जब भर्ती आने वाली होती है या फिर भर्ती आने का जो मोटिव होता है आप लोगों के लिए नौकरी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों के लिए एक चुनाव का मुद्दा भी देखने के लिए मिलता है और उसी समय पर तमाम भर्तियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। ऐसे में आप सभी को पता है कि आगामी समय उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी साल भी है, ये भी है जो फिलहाल चल रहा है और आगामी समय भी है ना, तो ऐसे में नई भर्तियाँ आना लाजमी है। लेकिन ऐसे में अगर बात की यूपी टीईटी को लेकर या फिर 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर अगर बात करें पंचायती चुनावों की तारीख को लेकर, इससे पहले एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी थी 3 से 4 दिन पहले, जिसके अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि पंचायती चुनाव अप्रैल के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि वो संभावना थी, उस समय आधिकारिक घोषणा देखने के लिए नहीं मिली थी, लेकिन ऐसे में यहां पर जो घोषणा है वो हो चुकी है पंचायती चुनाव तारीखों को लेकर। लेकिन अगर बात की जाए दूसरे हैंड पर जो कि है आप सभी के यूपी टीईटी, साथ में 97,000 शिक्षक भर्ती बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा यूपी पंचायत चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के बारे में सुनवाई को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट ने एक आदेश दिए, दिशा निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक प्रधानी के जो चुनाव है वो करवाने पड़ेंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए, मतलब ये है कि 30 अप्रैल से पहले यहाँ पे जो पंचायती चुनाव है वो आप सभी के बीच में आयोजित हो जाएंगे। उसी क्रम में नीचे आप सभी के सामने जानकारी आती है कि 17 मार्च तक आरक्षण का जो कार्य पूरा किया जाएगा और 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव यहाँ पे करवाने हैं, जिससे कि आगामी समय के अंदर चीजें स्पष्ट होंगी। 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव कराए जाएंगे, साथ ही 15 मई तक ब्लॉक प्रमुख के भी यहां पर जो चुनाव है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे 30 अप्रैल तक करवाने हैं, उससे पहले शुरू होंगे, और शुरू होंगे तो आप सभी को पता है कि उससे पहले आचार संहिता भी लग जाएगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है यूपी टीईटी और साथ में 97,000 को लेकर, क्योंकि पहले भी मैंने कई बार आप सभी को जानकारी दी थी कि यूपी टीईटी का जो आयोजन है अब मार्च के अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि परीक्षा निवारक प्राधिकारी का कहना था कि हमें परीक्षा करवाने के लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। अभी तक जो प्रस्ताव भेजा नहीं गया है, पुराने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है, पुराना प्रस्ताव जनवरी में आवेदन ले थे लेकिन फरवरी आ चुकी है। ऐसे में नया प्रस्ताव अगर आज भी भेज दिया जाता है तो मान के चलिए कि कम से कम 1 हफ्ता मंजूरी में निकल जाएगा, उसके बाद में यूपी टीईटी के आवेदन देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद में परीक्षा होगी लगभग अप्रैल के बाद, क्योंकि आचार संहिता के अंदर परीक्षा होगी कि नहीं ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बाकी सब कुछ हो जाएगा लेकिन छात्रों के लिए कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो चीज देखने के लिए मिल रही है पंचायती चुनाव को लेकर वो ये है कि कहीं ना कहीं यूपी टीईटी एक बार फिर से स्थगित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यूपी टीईटी आपका अप्रैल के अंदर होने की संभावना थी अब वो कहीं ना कहीं मई के बाद ही देखने के लिए मिलेगा या फिर मई में देखने के लिए मिल सकता है, इससे पहले होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से शासन आदेश जारी नहीं किया गया यूपी टीईटी करवाने के लिए। और ऐसे में सरकार की तरफ से कई बार मंशा देखने के लिए मिली है कि जब तक यूपी टीईटी नहीं हो जाता तब तक नई शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है वो करना पड़ेगा, तो इसी को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग लगातार जारी है। तमाम ट्विटर वाल भी किए गए लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। अभ्यर्थी 10 तारीख को लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन देने वाले हैं, जहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग भी करेंगे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही आता है कि यूपी टीईटी होने के बाद भर्ती निकाली जाएगी, ऐसा बार बार शासन प्रशासन की तरफ से कहा, लेकिन सरकार की हीरावाली के चलते अभी तक ना तो शासन आदेश जारी किया गया, ना ही कोई नई तारीखें तय हुई हैं और ना अभी तक यह तय हो पाया कि कब आपका जो यूपी टीईटी वो करवाया जाएगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या फिर यूपी टीईटी का, यह मामला कहीं ना कहीं पंचायती चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। अब ऐसे में कोई उम्मीदें नहीं बची क्योंकि मार्च के बीच में अप्रैल में आपके चुनाव होंगे और चुनाव के बाद ही आपको परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। हालांकि 97,000 को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन लखनऊ के अंदर भी होने वाला है, जहां पर नई शिक्षक भर्ती की मांग की जाएगी, विज्ञापन को लेकर अपनी मांगें रखी जाएंगी और उसी के बाद आपको जो चीजें वो देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी लखनऊ में जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे में पंचायती चुनाव की तारीखों की वजह से कहीं ना कहीं यूपी टीईटी एक बार फिर से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो यूपी टीईटी होने के बाद आने की संभावना है। बाकी धरना प्रदर्शन के बाद सरकार का क्या फैसला होगा ये तो आप सभी को 10 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा।
क्योंकि चुनाव के आ जाने की वजह से मामला और लंबा खिंच जाएगा। अगर ऐसे में आवेदन शुरू करवा दिए जाते हैं, परीक्षा बेशक मई में देखने के लिए मिलती है, तो 2-2.5 महीने के अंदर आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है। अगर ऐसा नहीं होगा और लंबा जाएगा तो नई शिक्षक भर्ती के लिए और भी इंतजार आपको करना पड़ सकता है। फैसला आपके हाथ में है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी को अवेयर करते रहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, लेकिन उससे पहले बात कर रहे थे TGT PGT विज्ञापन के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी TGT PGT विज्ञापन का इंतजार कर, लेकिन ऐसे में नए विज्ञापन को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते भी हैं कि नए विज्ञापन के ना आने की वजह क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को कई बार बताया गया कि चयन बोर्ड का कहना है कि NIC के माध्यम से हरी झंडी मिलेगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, ना ही उनकी तरफ से कुछ और देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें NIC को लेकर, NIC और भी बहुत सारे जो कार्य वो संभालती है जो कि सफलतापूर्वक करवा लिए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है विद्यार्थियों की, अभ्यर्थियों की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको समस्याएँ देखने के लिए मिलती हैं। अभी तक जैसा कि आपको बताया गया कि NIC की वजह से आपका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किया जा, और बार बार इसको लेकर अभ्यर्थी मुलाकात भी करते हैं, चेयरमैन, अध्यक्ष, सचिव या फिर जो भी हैं, सबके माध्यम से कहा जाता है कि जल्दी विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो इसको लेकर अब संशय बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि चयन बोर्ड की तरफ से कहीं हीला हवाली तो नहीं की जा रही है, या फिर विज्ञापन को लटका करके रखने की मंशा तो नहीं है। क्योंकि इससे पहले 2016 के परिणाम की बात करते हैं, बहुत सारे परिणाम काफ़ी लंबे समय तक लटका के रखते हैं बिना किसी रीज़न के। चाहे अगर बात करें 2016 भर्ती, 2011 की भर्ती, अगर उठाकर के देखें 2016 की बायोलॉजी की परीक्षा, जिसको कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है 6-7 महीने या फिर इससे भी ज्यादा समय हो चुका है, मैं कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा समय हो चुका है कोर्ट की तरफ से कहा गया है, लेकिन अभी तक ना तो उसकी परीक्षा तिथि घोषित की गई है। कहा गया था कि फरवरी के अंदर परीक्षा करवा ली जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। लगभग 1 साल के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिना किसी रीजन के आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इसको लेकर संशय है, क्या सच में NIC की वजह से आवेदन लेट किए जा रहे हैं, या फिर चयन बोर्ड की मंशा इस विज्ञापन को लटका करके रखना है। लगभग ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभ्यर्थी एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बार बार चेयरमैन के माध्यम से, सचिव के माध्यम से झूठे आश्वासन दे दिए जाते हैं, लेकिन जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे में TGT PGT को लेकर या फिर चयन बोर्ड के इतिहास को लेकर यह संशय बन रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को लटकाने का प्रयास है। इससे पहले तमाम भर्तियां, तमाम परीक्षाएं, तमाम रिजल्ट लटका आगे रखे हैं बिना किसी रीजन के। बहुत सारे धरना प्रदर्शन दिए, सब कुछ हुआ है, झूठे आश्वासन मिले हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में NIC के माध्यम से भर्ती को लेट किया जा रहा है, या फिर NIC की हरी झंडी का इंतजार है, या फिर इसको लेकर चयन बोर्ड की कोई और साजिश, या फिर कहीं ना कहीं और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि पहले भी विज्ञापन जारी हुए थे और भी बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा UPSC के माध्यम से 5 लाख लोगों ने आवेदन किए GIC के अंदर, लेकिन TGT PGT को लेकर लगातार जो इंतजार है वो किया जा रहा है NIC की हरी झंडी का। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती है TGT PGT विज्ञापन को लेकर, कहीं ना कहीं इसको लेकर एक सवाल उठता हुआ दिखाई, जो कि कहीं ना कहीं लाजमी भी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वही दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल है 69,000 के उत्तर कुंजी विवाद को लेकर हाल ही में देखने के लिए मिला है। एक विवाद और है 67,867 का, जो कि चयन सूची से संबंधित है, इसको लेकर सुनवाई भी हुई है। हालांकि उसके अंदर मामला देखने के लिए मिला है, जहां पर कोर्ट के सामने चीजें रखी गई हैं कि आरक्षण को फॉलो नहीं किया गया है। अगली तारीख 18 फरवरी लगा दी है, लेकिन उत्तर कुंजी मुद्दा एक बार फिर से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल हैं कि अगर आंसर की के अंदर नंबर में बदलाव होता है, नंबर बढ़ते हैं, तो क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। देखो, अगर नंबर के अंदर बदलाव होगा, चाहे वो एक नंबर बढ़ेगा, मैंने कई बार जानकारी दी है कि वो सबका बढ़ने के लिए देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर एक नंबर बढ़ा दिया जाता है, क्वेश्चन गलत पाया जाता है, तो उस परीक्षा के अंदर बैठे 410,000 अभ्यर्थी, उनके लिए भी वो नंबर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर नहीं किया जाता है तो बाद में शिक्षा मित्र भी कोर्ट चले जाएंगे, उनका कहना होगा कि अब एक नंबर बढ़ने की वजह से जितने भी शिक्षा मित्र पास हुए उनको नौकरी दी जाए, और कोर्ट को कहीं ना कहीं उनको नौकरी देनी भी पड़ेगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है कि उत्तर कुंजी के अंदर नंबर बढ़ने से क्या कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा। नंबर बढ़ने से सभी अभ्यर्थियों को फर्क पड़ेगा, जो भी अभ्यर्थी पास होंगे, इसको लेकर आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो
ऐसे अभ्यर्थियों जो याचिए जाए वो ऐसे अभ्यर्थियों जो इस भर्ती के अंदर शामिल थे अगर क्वेश्चन गलत साबित कर दिया जाता है तो इस केस के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में एक सवाल ये भी देखने के लिए मिलता है कि आगामी समय के अंदर सरकार किस प्रकार मैनेज करेगी। जब मामला डबल बेंच में गया था तो ऐसे में उनकी तरफ से सरकार का कहना था कि हमारे पास और भी जो रिक्त पद हैं वो पड़े हुए हैं, अगर कुछ होता है तो उन पर विचार किया जाएगा। अब सरकार कैसे मैनेज करेगी दूसरे खाली पदों को लेकर या फिर इसमें से कुछ होगा, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने एक आदेश देना है। अगर क्वेश्चन गलत पाया जाएगा तो उसको लेकर कोर्ट की तरफ से जो आदेश है वो आएगा। अब उस आदेश का किस प्रकार पालन करना है, कैसे पालन किया जाएगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आगामी समय के अंदर सरकार के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर उत्तर कुंजी अगर गलत होगी तो खामियाजा पीएनपी और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भुगतना ही पड़ेगा। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हुई थी मेरिट लिस्ट के बारे में, बदलाव होगा कि नहीं होगा बाद की बात है, सरकार ने कई बार कहा है, लेकिन नंबर बढ़ेगा तो सबको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी देखने के लिए मिलता है कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिल सकते हैं। तो इसको लेकर सुबह भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि पिछली बार सिंगल बेंच की तरफ से पूरे 150 क्वेश्चन को यूजीसी के पास भेजा गया था, डबल बेंच ने स्टे लगा दिया तो उसके बाद कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन ऐसे में अब जब सुनवाई होगी अगली सुनवाई, उसके अंदर आंसर की को लेकर क्या सिंगल बेंच की तरफ से सभी क्वेश्चन को भेजा जाएगा या फिर डेडिकेटेड 5 से 6 या 7 वीडियोज़ को लेकर या फिर 7 क्वेश्चन को लेकर, माफ कीजिए वीडियो नहीं, उसके अंदर पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा आंसर है और कौन सा नहीं है, और उसके बाद आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में कितने नंबर बढ़ेंगे, 1 या 2 नंबर की उम्मीद अभी की जा सकती है, क्योंकि अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार पूछते हैं कि सर आपका ओपिनियन क्या है, मैंने कई बार कहा है कि आंसर की के अंदर कुछ क्वेश्चंस गलत थे जिनको लेकर विवाद था, इस प्रकार के ऑप्शन देने से कहीं ना कहीं विवाद क्रिएट होता भी है। तो ऐसे में आगामी समय के अंदर इस पर आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल पहली सुनवाई का इंतजार करें कि उसके अंदर कितने क्वेश्चन की मांग की जाएगी, कौन कौन से क्वेश्चन को लेकर चीजें रखी जाएंगी, या फिर पिछली बार के जो आदेश था सभी क्वेश्चनों को भेजने का उसी को यहां पर फॉलो किया जाएगा। तो ये तो दोस्तों बात होती है कितने क्वेश्चन को लेकर। लेकिन ऐसे में एक सवाल और देखने के लिए मिलता है, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि उत्तर कुंजी की वजह से क्या थर्ड मेरिट लिस्ट प्रभावित हो सकती है या फिर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी को कई बार जानकारी दी गई है, चाहे वो उत्तर कुंजी का मुद्दा हो, MRC आरक्षण का मुद्दा, 4% PH का मुद्दा जो कि दिव्यांग अभ्यर्थियों का है, इन मुद्दों को लेकर सरकार की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई स्टे नहीं दिया गया है, या फिर भर्ती प्रक्रिया के अंदर ये नहीं कहा गया कि आप भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल पूरा ना करें। तो ऐसे में सरकार चाहे तो थर्ड काउंसलिंग तो करवा सकती है, उसको लेकर कोई प्रभाव इन मुद्दों का नहीं पड़ेगा जब तक कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं दे दिया जाता है या भर्ती के ऊपर ये कहा जाता है कि फिलहाल जो बची हुई सीटें उनको लेकर रोक करके रखिए, तभी फिलहाल उन भर्तियों को रोका जा सकता है या फिर थर्ड काउंसलिंग पर कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी तक चाहे वो MRC हो, दिव्यांग अभ्यर्थी या उत्तर कुंजी, इनको लेकर किसी प्रकार का कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। निकट भविष्य में अगर दिया जाता है तो सभी को लेकर प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो जाती है। इसलिए जो अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि थर्ड काउंसलिंग पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, फिलहाल अभी तक कोई प्रभाव नहीं है जब तक नंबर नहीं बढ़ते या फिर कोर्ट की तरफ से कोई अगला आदेश नहीं दिया जाता है, तब तक थर्ड काउंसलिंग को लेकर किसी भी मुद्दे से कोई अभी मतलब नहीं है। लेकिन आगामी समय के अंदर अगर कोई आदेश आएगा तो वो सबके ऊपर प्रभावित करेगा, चाहे वो MRC का, आरक्षण का या फिर जितने भी मुद्दे लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये तो अपडेट हो जाती है 69,000 को लेकर, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी संशोधन वाले अभ्यर्थी बार बार पूछते हैं, उन सभी को बता दें कि अभी तक शासन प्रशासन की से कोई जानकारी नहीं दी गई संशोधन को लेकर, अगर कुछ होगा तो आप सभी को सबसे पहले सूचना ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात की सीटेट को लेकर, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट को लेकर लगातार विवाद जारी है, परीक्षा के अंदर धांधली देखने के लिए मिली है खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी आंसर की और साथ में रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे हैं, हालांकि CBSE की तरफ से अभी तक कोई क्लियर नहीं किया गया कि परीक्षा रद्द की जाएगी या फिर कोई बदलाव होगा, क्योंकि UP में ये आम है, परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद लीक होता है या जो भी होता है, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ऐसे में कब जारी होगी आपकी आंसर की साथ में रिजल्ट, जैसा कि नीचे आप सभी देख पाए कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग चेक कर पाएंगे, ऐसे में यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, आप सभी के सामने आ जाता है कि 31 तारीख को आपकी जो परीक्षा है वो करवाई गई थी। ऐसे में अगर बात करें कितने अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए, सारी जानकारी आप सभी के सामने है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि बोर्ड की तरफ से पहले प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, जिस पर आपत्ति दर्ज करने की अनुमति भी मिलेगी। बोर्ड जो रिजल्ट या आंसर की जारी करने की डेट्स अभी तक तय नहीं की गई, मगर पिछली बार परीक्षाओं के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 फरवरी के 2 या फिर 3 सप्ताह के अंदर आप सभी की जो आंसर की जारी कर दी जाएगी। ऐसे में
में कहा भी गया था, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने बताया भी था कि दूसरे सप्ताह के बाद में आरसी की जारी कर दी जाएगी, जो कि 3 दिन के लिए यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं वो आपत्ति दर्ज करा पाएंगे। उसके बाद में रिवाइज आंसर की जारी होगी, उसके साथ ही आगामी समय के अंदर मार्च के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही थी। तो ज़्यादा इंतजार आप सभी को नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आंसर की आने की संभावना है। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन डाफर्स डिजिटल के माध्यम से मिलती रहेगी। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।